मान लो कल आपकी शादी हो और आज रात आप किसी ऐसे गड्ढे में गिर जाओ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना हो, ना किसी का कॉल लग रहा हो और ना ही पुलिस आप तक पहुँच पा रही हो। एंड आते आते खतरनाक ट्विस्ट लेने वाले आज के इस मूवी का नाम है मैन होल। तो मूवी के शुरुआत में हम कुछ लोगों को पार्टी करते हुए देखते हैं। दरअसल कल के दिन सुनसुके नाम के इस लड़के की अपने बॉस की बेटी सयूरी के साथ शादी है, जिस वजह से सुनसुके के सभी कलीग्स उसे पार्टी दे रहे होते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं कासे नाम का ये आदमी सुनसुके को एक गिफ्ट देता है और वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। सुनसुके भी अपने घर की तरफ चल पड़ता है और ज्यादा ड्रिंक करने के कारण वो काफी नशे में भी होता है। तभी रास्ते में चलते वक्त सुनसुके एक गड्ढे में गिर जाता है और आंखें खुलने के बाद अपने आप को इसी गड्ढे में पाता है और सुनसुके के पैर में काफी चोट भी आई होती है। तभी उसके मुंह पर ऊपर से खून की बूंदे गिरती है। सुनसुके ऊपर देखता है जहां एक नुकीले रॉड से खून टपक रहा होता है और उसी रॉड से सुनसुके को चोट आई होती है, जिसके बाद सुनसुके अपनी टाई से अपने जख्म को बांध लेता है और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ी बीच में से टूटी होने के कारण सुनसुके आगे की सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता, जिस पर सुनसुके अपनी बेल्ट निकाल लेता है और उससे आगे की सीढ़ी को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता, जिसके बाद सुनसुके अपना कोट उतार देता है और कूदकर आगे की सीढ़ी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सुनसुके सीढ़ी नहीं पकड़ पाता और नीचे गिर जाता है। रात के 1 बज रहे होते हैं और सुनसुके बाहर मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता, जिसके बाद सुनसुके अपने पास काम की चीजें ढूंढता है। तभी सुनसुके कासे का गिफ्ट खोलता है जिसमें एक लाइटर होता है, जिसके बाद सुनसुके अपना फोन निकालता है और सयूरी को कॉल लगाता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता, जिस पर सुनसुके अपने सभी पहचान वालों के पास कॉल करके देख लेता है, लेकिन किसी का भी कॉल नहीं लगता, जिससे सुनसुके उदास हो जाता है। तभी सुनसुके की एक्स गर्लफ्रेंड कूडो का कॉल आता है, जिससे सुनसुके ने 5 साल पहले ब्रेकअप कर लिया था। कूडो सुनसुके से पूछती है कि उसने कॉल क्यों किया, जिस पर सुनसुके उसे बताता है कि वो घर आते वक्त काफी नशे में था और एक कंस्ट्रक्शन साइट के गड्ढे में गिर गया और GPS से अपना लोकेशन देखकर कूडो को बताता है कि वो शिबुया नाम की किसी जगह पर है, जिस पर कूडो कहती है कि तुम पुलिस को क्यों नहीं बताते। तो सुनसुके कहता है कि वो चीजों को और नहीं बिगाड़ना चाहता, जिस पर कूडो सुनसुके को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। आधा घंटा बीतने के बाद भी कूडो वहाँ नहीं आती और अब बारिश भी शुरू हो जाती है, जिस पर सुनसुके वहीं नीचे बारिश से छुप जाता है। तभी कूडो का कॉल आता है, कूडो बताती है कि वो शिबुया आ गई है लेकिन यहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है, जिससे सुनसुके गुस्सा हो जाता है, जिस पर कूडो सुनसुके से कहती है कि वो पुलिस को कॉल करे और फोन काट देती है, जिसके बाद सुनसुके पुलिस को कॉल करता है और सारी बात बता देता है, जिस पर पुलिस गड्ढे के बारे में पूछती है और सुनसुके गड्ढे के आसपास के बारे में बताता है। तभी पुलिस वाला सुनसुके से कहता है कि वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं बल्कि एक मैन होल है जो अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, और तभी वो पुलिस वाला कहता है कि 10 मिनट में पुलिस आकर सुनसुके को बचा लेगी। 10 मिनट से आधा घंटा बीत जाता है लेकिन कोई भी पुलिस वहां नहीं आती, जिसके बाद सुनसुके फिर से कूडो को कॉल करता है और उससे बताता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं बल्कि किसी मैन होल में गिरा है और बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ रही है, जिस पर कूडो कहती है कि शिबुया में कहीं भी बारिश नहीं हो रही और इतना कहकर कूडो कॉल काट देती है, जिसके बाद सुनसुके अपना फोन निकालता है और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके उसे ऊपर की तरफ फेंकता है, जिससे वो बाहर के जगह को देख सके, लेकिन फोन में कुछ भी सही से रिकॉर्ड नहीं होता, जिस पर सुनसुके फिर से अपने फोन को ऊपर की तरफ फेंकता है लेकिन इस बार फोन सीढ़ियों पर ही अटक जाता है। तभी सुनसुके गैस लीक होने की आवाज सुनता है, जिस पर सुनसुके अपने बैग से टेप निकालकर गैस पाइप के लीकेज को बंद कर देता है, जिसके बाद सुनसुके अपना बैग फेंक कर अपने फोन को नीचे गिरा देता है और अपने फोन को चेक करता है, पर इस बार कुछ सच में रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन सुनसुके को समझ नहीं आता कि ये कौन सी जगह है। तभी पुलिस वाले का फोन आता है और पुलिस वाला सुनसुके से कहता है कि उन्होंने बताई गई जगह पर देखा लेकिन वहाँ किसी भी मैन होल में सुनसुके नहीं मिला। सुनसुके पुलिस से फिर से ढूंढने को कहता है, जिस पर पुलिस वाला सुनसुके से कहता है कि शायद आपने ज्यादा शराब पी ली है जिससे आपको वहम हो रहा है, जिससे सुनसुके गुस्सा हो जाता है और तभी पुलिस वाला फोन काट देता है, जिसके बाद सुनसुके फिर से सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है और इस बार ऊपर की सीढ़ी को पकड़ लेता है लेकिन सीढ़ी टूट जाती है और सुनसुके नीचे गिर जाता है, जिसके बाद सुनसुके सोशल मीडिया पर जाता है जहां वो मैनहोल गर्ल के नाम से एक आईडी बनाता है, क्योंकि सुनसुके को लगता है कि लड़की का नाम रखने से लोग जल्दी मदद करेंगे, और इंटरनेट से किसी लड़की की फोटो डाउनलोड करके उसमें कुछ बदलाव करके अपने प्रोफाइल पे सेट कर देता है और फिर एक पोस्ट लिखकर लोगों से मदद मांगता है। थोड़ी देर
बात सुनसुके देखता है कि हजार से भी ज्यादा लोग उसे फॉलो कर लेते हैं और सभी लोग कमेंट करके उसकी मदद करना चाहते हैं। जहां सुनसुके सबको सारी बात बताता है और साथ ही ये भी कि उसे जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिस पर सभी लोग सुनसुके की बताई गई इन्फॉर्मेशन से अंदाजा लगाते हैं कि वो नॉर्दर्न कांटो में कहीं हो सकता है और हो सकता है कि किसी ने सुनसुके को जानबूझकर इस गड्ढे में गिराया हो और उसके फोन का GPS भी फेल किया हो। सभी सुनसुके को लड़की समझ रहे थे, जिस पर सुनसुके सबको बताता है कि उसके भाई का नाम सुनसुके है और उसके किसी दुश्मन ने सुनसुके से बदला लेने के लिए ये सब किया हो सकता है। जिसके बाद सुनसुके फिर से कूडो को कॉल करता है और पार्टी के जगह के कैमरास को चेक करने के लिए कहता है, जिससे वो किडनैपर को ढूंढ सके। जिस पर कूडो कहती है कि कैमरास को तो सिर्फ पुलिस ही चेक कर सकती है। जिसके बाद सुनसुके सोशल मीडिया चेक करता है, जहां कोई कहता है कि शायद कोई नहीं चाहता कि तुम्हारा भाई सुनसुके अपनी बॉस की बेटी से शादी करे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, इसलिए वो तुमसे बदला ले रहा है। थोड़ी देर बाद एबिस नाम का आदमी सुनसुके के दोस्त कासे की फोटो सोशल मीडिया पर डालता है और सबको बताता है कि यही अपराधी है और एबिस ने कासे को बहुत मारा भी होता है। तभी सुनसुके के आसपास नालियों से आकर किसी तरह का झाग जमा होने लगता है। तभी एक आदमी कहता है कि मैन होल के ढक्कन से जगह का पता किया जा सकता है, जिस पर सुनसुके अपनी रिकॉर्डिंग को चेक करता है जो उसने फोन को फेंक कर बनाया था, जिसमें मैन होल का ढक्कन आ जाता है। सुनसुके उस ढक्कन का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिससे लोग बताते हैं कि मैन होल गर्ल आओयामा टाउन में हो सकती है। तभी एक आदमी कहता है कि वो आओयामा टाउन के पास है और वो आकर मैन होल गर्ल को बचा लेगा। तभी वहाँ बहुत ज्यादा झाग जमा हो जाती है, जिसकी वजह से सुनसुके सीढ़ी पर चढ़ जाता है, लेकिन झाग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी वो आदमी लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए वहाँ के मैन होल तक पहुँच जाता है, लेकिन मैन होल में बस पानी भरा होता है, जिससे वो आदमी हार मान जाता है और अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को वहीं बंद कर देता है। तभी सुनसुके इधर झाग में डूबने लगता है, जिस पर सुनसुके गैस का टेप निकालकर उसमें लाइटर से आग लगा देता है, जिससे एक धमाके के साथ सारा झाग बाहर निकल जाता है और सुनसुके गीला होने के कारण आग से भी बच जाता है। जिसके बाद कूडो का कॉल आता है, जिस पर सुनसुके कूडो से कहता है कि थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और सुबह पास से पार होने वाला कोई ना कोई उसे बचा लेगा। तभी सामने से एक पत्थर गिरता है, जहां एक मरा हुआ आदमी होता है, जिसे मरे हुए काफी दिन हो चुके थे। जिसके बाद अचानक से सुनसुके कूडो से कहता है कि वो ओत्सुका विलेज में है और कूडो से जल्दी वहां आने को कहता है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सुनसुके काम करके अपने घर आता है। तभी रात में योशिदा नाम का आदमी सुनसुके के घर पे आता है और रॉड से मार मार कर सुनसुके को मार देता है और फिर सुनसुके की लाश को उसी मैन होल में फेंक देता है। जिसके बाद योशिदा डॉक्टर के पास जाकर उससे कहता है कि उसे सुनसुके का चेहरा चाहिए, जिस पर डॉक्टर योशिदा की प्लास्टिक सर्जरी करके योशिदा को सुनसुके का चेहरा दे देता है। और यही हमें पता चलता है कि ये मरा हुआ आदमी सुनसुके ही होता है और सुनसुके योशिदा होता है, जिसने सुनसुके का चेहरा लगा लिया है। जिसके बाद योशिदा सुनसुके की लाश को छुपाने लगता है, तभी कूडो कॉल करके बताती है कि वो रस्सी फेंक रही है, जिस पर योशिदा रस्सी चढ़कर ऊपर आ जाता है, जहां कूडो नहीं ओरिहारा नाम की ये लड़की होती है और वो बताती है कि उसे पता है कि वो सुनसुके नहीं योशिदा है और वो अब उससे सुनसुके का चेहरा वापस लेगी। जिसके बाद ओरिहारा उसका चेहरा काटने लगती है, जिस पर योशिदा उसे धक्का दे देता है और उसे बताता है कि उसका एक बच्चा है और उसके परिवार वालों ने कभी योशिदा की परवाह नहीं की, जिससे वो बस एक नई जिंदगी चाहता था, लेकिन उसने सुनसुके को नहीं मारा और अब वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाकर अपने बच्चे को देखना चाहता है। ये सुनकर ओरिहारा उसे छोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी योशिदा पीछे से ओरिहारा का गला पकड़ लेता है और उसे मैन होल में डालने के लिए ले जाने लगता है, जिस पर कोई योशिदा के मुंह पर तीर से हमला करता है, जिससे ओरिहारा बच जाती है और योशिदा फिर से उसी मैन होल में गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो तीर चलाने वाला एक लड़का होता है, जिसके बाद योशिदा के फोन में नोटिफिकेशन आता है, जहां वही एबिस नाम का आदमी ओरिहारा की फोटो डालकर सबको बताता है कि उसने मैन होल गर्ल को बचा लिया। जिसके बाद वो लड़का मैन होल का ढक्कन बंद कर देता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और मेरी रीसेंट हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो ये राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। तो मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।